सो हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त डॉक्टर अभिषेक। दोस्तों, मेरे पास बहुत से बच्चों की या यूं कहें बहुत से पेरेंट्स के मैसेज आते हैं, फ़ोन कॉल आते हैं कि सर मेरे बेटे ने या बेटी ने 10+2 क्वालिफाई कर लिया है। हम चाहते हैं कि अपने बच्चे को वो कोई ऐसा डिप्लोमा कोर्स कर ले जो 2 या 3 साल का हो, और उसको करने के बाद वह जो है अपने फ्यूचर में अच्छा कर सके, वह अपनी जीविका को सही तरीके से चला सके। तो ऐसे कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जो 2 या 3 साल के होते हैं और जिनको करने के बाद आप जो है अच्छी अर्निंग कर सकते हैं? मैं आपको एक चीज बता दूं कि पैरामेडिकल कोर्सेज या जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। बेशक आप डॉक्टर नहीं बनते हैं, लेकिन एज असिस्टेंट या टेक्नीशियन बनकर भी आप अपनी जीविका को सही तरीके से चला सकते हैं। पहला कोर्स हमारा है डीफॉर्म, डिप्लोमा इन फार्मेसी बोलते हैं। डीफॉर्म करने के बाद आप जो है अपना एक मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, आप किसी स्टोर पे जॉब कर सकते हैं, आप किसी हॉस्पिटल में एज अ जो है फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं। अच्छी अर्निंग है। अगर आप ऑन एन एवरेज सैलरी की बात करें तो 20 से 25 हज़ार रुपये सैलरी आपको आसानी से मिल जाती है अगर आप डीफॉर्म कंप्लीट कर लेते हैं। और कुछ समय जॉब करने के बाद अगर आपके पास थोड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आ जाता है तो आप खुद का एक मेडिकल स्टोर भी रन कर सकते हैं जिसकी अर्निंग लाखों में होती है, ठीक है। चॉइस आपकी है कि आप कैसा पैसा कमाना चाहते हैं और आप कितने एक्टिव हैं अपनी फील्ड में। डीफॉर्म के बाद जो सेकेंड कोर्स दोस्तों है वो है DML, जी हाँ, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, ठीक है। लैब में जब आप टेस्टिंग वगैरह लगाते हैं तो देखिए, एक टेस्टिंग करना है, एक असिस्ट करना है। बहुत से लोग हैं जो अपने आप को समझते कि भैया अब हम MD पैथ बन गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। DMLD के बाद आप अपने सीनियर के साथ में उसकी हेल्प कर सकते हैं, आप असिस्टेंट बन सकते हैं। अगर आप प्राइवेट सैलरी की बात करें तो यहाँ पर भी आप 20 से 25 हज़ार रुपये, और अगर आप 2 लैब पकड़ लें तो आप आराम से 40 से 50 हज़ार रुपये अच्छे तरीके से कमा सकते हैं। गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती हैं, अगर आप गवर्नमेंट हो जाएंगे तो NRHM की जो वैकेंसी आती है वहाँ आपको 30 से 35 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाती है, और अगर आप परमानेंट होगी तो आपको 60 से 70 हज़ार रुपये आराम से आप कमा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही थर्ड आता है MRI टेक्नीशियन, या फिर यूं कहें एक इसी का पार्ट है एक्सरे टेक्नीशियन। इन दोनों के भी गवर्नमेंट में अच्छी खासी जॉब आती है, और ऑन एन एवरेज अगर आप जॉब की बात करें तो इनमें भी आप 20 से 30 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड हो गया हमारा MRI टेक्नीशियन, फोर्थ हो गया हमारा एक्सरे टेक्नीशियन, फिफ्थ इसी में आप जाएंगे तो ECG टेक्नीशियन भी एक अच्छा कोर्स है जिसको करने के बाद आप अच्छे तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। अब पैरामेडिकल का एक ब्रांच आता है नर्सिंग की बात करें तो इसमें अगर आप BSc नर्सिंग नहीं करना चाहते तो आप ANM या फिर GNM, ये दो ऐसे कोर्सेज जो डिप्लोमा के पार्ट आते हैं, और ये GNM 3 सालों का है, ANM 2 सालों का है। इनमें भी अगर आप कोर्सेज को अच्छे से कर ले तो आपका अच्छा फ्यूचर हो सकता है। प्राइवेट में आपको 20 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ की सैलरी आराम से मिल जाती है। इसके अलावा आपको संविदा या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब मिलती है, साथ ही साथ परमानेंट वैकेंसीज भी आती हैं जिनको करने के बाद आप आराम से 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ की अर्निंग कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे कोर्सेज जिनका काफ़ी ज़्यादा स्कोप आज के समय बढ़ता जा रहा है, उनमें से एक तो ये है कि आप डेंटल टेक्नीशियन बन सकते हैं, आप जो है फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, इसको DPT बोलते हैं। DPT भी डिप्लोमा कोर्स है जो कि 2 सालों का होता है। UP में बहुत सारे कॉलेज जहाँ पे आप DPT कर सकते हैं। ऑनलाइन इसकी अर्निंग की बात करें तो एज असिस्टेंट आपको 15 से 20 हज़ार रुपये की जॉब मिल जाती है पर मंथ, और अगर आप 2 से 3 विजिट भी करते हैं, यानी कि आप घर आके पेशेंट देखते हैं, तो आराम से अगर आप पर विजिट 500 चार्ज करते हैं तो 1500 रुपये डेली, यानी कि 45 हज़ार रुपये महीने, तो टोटल इनकम आपकी 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ बहुत आसानी से हो सकती है। इसके बाद एक कोर्स आता है जिसको हम बोलते हैं DOP, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री। इसको करने के बाद आप जो है ऑप्टोमेट्रिस्ट बन सकते हैं, आप ऑप्टिकल शॉप पे जॉब कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट में जॉब कर सकते हैं, और आप खुद का एक ऑप्टिकल शॉप भी ओपन कर सकते हैं। अब क्योंकि जब आप बिजनेस में आ जाते हैं तो आपकी अर्निंग लाखों में हो सकती है और हज़ारों में हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि आप कितने एक्साइटेड हैं अपने कैरियर को लेकर, आप कितने अच्छे से जो है पेशेंट को डील करते हैं, आप कितने अच्छे से सेलिंग करते हैं, वो सब आप पे डिपेंड करता है। ऐसे ही एक कोर्स होता है DOT, डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन, इसमें भी अच्छा स्कोप है। तो बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज UP में रन होते हैं जिनमें आसानी से आप एडमिशन ले सकते हैं, मैथ या बायो
ऐसे कोई बहुत ज़्यादा कंप्रोम वो नहीं है कि आप कोई भी बच्चा मैथ से आपने 10+2 किया तो भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं, और अगर आपने बायो से किया है तो भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज फीस की बात करें तो पूरा जो कंप्लीट फीस डिप्लोमा की होती है वो लगभग 1,10,000 से लेकर 1,20,000 तक होती है, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपकी फीस 88,000-90,000 भी पड़ जाए, तो आप आसपास के जो पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर जाकर बात कर लें, और बात करने के बाद उस कॉलेज के बारे में अधिक डिटेल आप UPSMF यानी कि UP स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल साइट पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपका कॉलेज रजिस्टर्ड है तो आप एडमिशन ले लें, 2 साल पढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा अगर आप अपने फील्ड में अच्छे बनेंगे तो 3rd साल से आपकी अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी देश के फ्यूचर डॉक्टर्स, सभी पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके दिल में कोई डाउट है डिप्लोमा कोर्स को लेकर, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप अपने कमेंट्स में दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद।